देखो बच्चों, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और आज आपका होमवर्क है बच्चों, एग्जाम्पलर में कंटिन्यूटी के जितने भी क्वेश्चन है सैटरडे की क्लास से पहले वो सभी करके मुझे भेजोगे, ठीक है। एग्जाम्पलर के कंटिन्यूटी के एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मुझे करके भेजोगे, ठीक है। देखो, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बताओ जरा। नमन कैमरा ऑन करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है? 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अनिरुद्ध, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। कार्तिके की फिंगर देख के आंसर दे रहे हैं। तो उसका फिंगर कैसे दिखेगा सर? कार्तिक दिखाई 2, तो आपका आंसर आ गया 2। नहीं सर, ये तो कराया था लास्ट ईयर आपने, तो कराया था, आंसर बताओ तो। सर 2। कार्तिक आप बताओ। कार्तिक आंसर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। 2 होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। नमन देख ले। नमन वो नहीं पता। जान मुझे नहीं पता। देखो जरा, 0, 1, 2, 3 and so on, -1, -2, -infinity, ठीक है। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा जाता है, अभी जैसे मैंने 1.1 का पूछा आपसे, ठीक है, यहाँ पर है 1.1, 1 के बाद में 1 और 2 के बीच में, तो आपको देखना है यहाँ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक जितने भी इंटीजर हैं उन सब में ग्रेटेस्ट, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा? सर 1। 1, ठीक है। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, ठीक है। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ अनिरुद्ध। 0.5 यहाँ पर है। 0 माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक जितने भी इंटीजर हैं उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? 0। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, ठीक है। नमन 2.7 का 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ नमन। सर 80। नमन 2.59 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। सर 80। क्या बता रहे हो? हाथ क्यों चला रहे हो इतने? ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, दिमाग चलाना है। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या बोला आपने? सर मैं चैट बॉक्स में लिखता था सर 18। 18? आप क्लास में ही हो या बाहर हो? क्लास में। लग तो नहीं रहा, फिजिकली बैठे हो बस। कार्तिक 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। 2। नमन कैसे फाइंड करते हैं? मतलब ये दो क्वेश्चन, ये क्या लिखा है नमन, पढ़ के बताना। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिखा है, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखा है? 0। अब इस बेचारे ने पता है क्या किया? 1 × 1 1, 0 × 5 0, तो 2 × 9 18। ये एक नया मेथड निकला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने का, कोइंसिडेंस। 1.1 यहाँ पर है, 1.1 सुना ही नहीं इसने, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक जितने भी इंटीजर हैं उन सब में सबसे बड़ा कौन है? 1, इसलिए 1 आया। 0.5, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0.5 तक जितने भी इंटीजर हैं उन सब में बड़ा इंटीजर कौन है? 0। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। 2.1 का तो 2 × 1 2 आ जाएगा।
2.2 का क्या होगा फिर? 4 सर, 2 नहीं 4 नहीं 2 ही होगा. नमन माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. 0 × 5 0. कैसे? 0 कैसे? तो बिकॉज़ माइनस 0.5 के सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर जो है वो. किसने बोला क्लोजेस्ट इंटीजर देखना होता है? जो मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग जाओ. अभी भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? चार क्वेश्चन समझा चुका हूं. हाँ ध्यान है नमन तुम्हारा? माइनस पॉइंट फाइव यहाँ पर है, माइनस पॉइंट माइनस इनफिनिटी से यहाँ तक जितने भी इंटीजर है उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? माइनस वन. जीरो. देखिए भगवान कैसे तो इस इसको थोड़ी बुद्धि दो सर, अपना थोड़ा दिमाग नमन को दे दो यार. सर भगवान से पे करना पड़ेगा उसके लिए. माइनस इनफिनिटी से जिस भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढ रहे हो, माइनस इनफिनिटी से वहां तक जितने भी इंटीजर हैं, माइनस इनफिनिटी से उस नंबर तक जितने भी इंटीजर हैं उन सब में सबसे बड़ा कौन है? यहां से देखना शुरू करना है और यहां तक. तो माइनस 0.5 माइनस 1 से बड़ा तो होगा. हे भगवान. तो माइनस 0.5 तो माइनस 1 से बड़ा होगा. इधर सुन चुप करके. यहां माइनस 0.5 है, यहाँ है ना, तो माइनस इनफिनिटी से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर है उन सब में बड़ा इंटीजर कौन है? माइनस वन. माइनस वन आएगा. जहान माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. जहान क्या सर इसका होगा? माइनस फोर. माइनस फोर. कार्तिके माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. माइनस 1.2. माइनस 2. अनिरुद्ध माइनस 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. माइनस 3. माइनस 2.4 का अनिरुद्ध. माइनस 3 सर. नमन. नमन 1.7 माइनस 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. माइनस टू. नमन 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. नमन जीरो. समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? माइनस इनफिनिटी से उस नंबर तक. अच्छा एक बात बताओ, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. नमन सर 2 का 2. हाँ माइनस इनफिनिटी से देखना है आपको 2 तक जितने भी इंटीजर है उन सब में बड़ा 2 ही है. तो 2 का ग्रेटेस्ट माइनस इनफिनिटी से देखना है. यस ठीक है. किसी भी डेसिमल नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते हो ना, ए पॉइंट बी है, तो उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देख लो. जब भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही होता है. 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा एंड सो ऑन. डेसिमल नंबर का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हो तो उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देख लो. इसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर 1 है, ठीक है. इसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कितना है? माइनस 2. जब भी डेसिमल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हो तो उसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देख लो, वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा. इंटीजर इंटीजर तो समझते हो ना सभी? माइनस इनफिनिटी का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? वो तो कर मुझे भी नहीं पता. पहले आप मुझे बताओ माइनस इनफिनिटी होता क्या है, फिर मैं बताऊंगा. माइनस इनफिनिटी जो अनकाउंटेबल. अच्छा नंबरिंग जो भी. पहले वो नंबर, पहले वो नंबर लेके आओ बेटा. क्या होता है माइनस इनफिनिटी? कोई नंबर नहीं होता. और कहाँ होता है ये भी नहीं पता. नंबर ही नहीं होता कोई, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालोगे? यस सर. बताओ कि ग्रेट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? ठीक है, हमें ये बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट. हमको एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है. लेट एक्स बिलोंगिंग टू जेड. एक्स नहीं, ए ले लेते हैं. एक्स तो पहले से ही क्वेश्चन में है. ए बिलोंगिंग टू जेड मतलब ए कोई इंटीजर है, ठीक है. ए कोई क्या है? इंटीजर. ए अगर इंटीजर है
तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन ये है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर वैल्यूज. इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाओ सभी बच्चे. सभी बच्चे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के बताओ मुझे. जल्दी करो बेटा, इतना धीरे मत चला करो. क्वेश्चन देते ही फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो. सर आपने ये एच प्लस माइनस का मेथड ही यूज किया क्या? हम नॉर्मली नहीं कर सकते जैसे आपने करवाया था एक क्लास पहले दो क्लास पहले. एक बार दोबारा बोलो, थोड़ा धीरे धीरे बोलना. सर जो मेथड हमने पहले किया था हमने एच ए ए प्लस एच नहीं करके हम नॉर्मली कर सकते हैं. सारे क्वेश्चन बेटा नॉर्मल मेथड से नहीं होते हैं. नॉर्मल मेथड से सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, जहां पर या तो जीरो अपॉन जीरो नहीं बनता वो वाले होते हैं, या सिंपल वाले क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से हो जाते हैं जहाँ जीरो अपॉन जीरो बनता. हर क्वेश्चन बिना पुट करे या मतलब ऐसे नहीं होता है. तो ये तो आपको क्वेश्चन करने से ही पता लगेगा कि कहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कहाँ नहीं करना पड़ेगा. इसका कोई ऐसा रूल नहीं होता. देखो बच्चों, हम इंटीजर कहाँ पर निकाल रहे हैं? इंटीजर्स पे निकाल रहे हैं. इंटीजर जैसे कि 2, 3, 4, 5, -1, ये सब इंटीजर हैं. फॉर एग्जांपल आप 1 पे लिमिट निकाल रहे हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. आप 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स 1 को कहाँ से अप्रोच करेगा? लेफ्ट हैंड साइड से. एक्स 1 को कहाँ से अप्रोच करेगा? लेफ्ट साइड से. तो x 1 से थोड़ा सा स्मॉलर होगा. x अगर 1 से स्मॉलर है तो हम x को क्या अज्यूम कर सकते हैं? 1 माइनस h. जैसे ही x 1 को अप्रोच करेगा h 0 को अप्रोच करेगा. ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, वैसे h हमेशा 0 को ही अप्रोच करता है. ठीक है, तो आपने यहाँ क्या डाल देना है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस h. ठीक है, 1 माइनस h. अब 1 माइनस एच, एच का मतलब कुछ एक बहुत छोटी क्वांटिटी. एच का मतलब एक बहुत छोटी क्वांटिटी जो जीरो को अप्रोच कर रही है. एच अगर कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है, मान लो एच क्या है 0.001 है, या एच क्या है 0.0001. जान है क्या इधर? जान, एच कोई छोटी क्वांटिटी है तो 1 में से अगर ये नंबर माइनस हो गया तो क्या बचेगा? 9.999 यही बचेगा. लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आपको इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है. तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ जरा. नमन को तो इसका आंसर आ गया, नमन की मुस्कुराहट बता रही है कि नमन को ये आंसर, नमन को तो समझ आ गया. यस, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नमन. So, 0. नमन खुश हो रहा था क्वेश्चन सुनते ही, तो मैं समझ गया कि नमन का आंसर आता है 0. किसी को नहीं समझ आया 0 पे होगा तो पूछ सकते हो. हमने ग्रेटर इंटीजर क्यों निकाला है यहाँ पे? हम नॉर्मली समझेंगे. क्या हमने ग्रेटर इंटीजर क्यों निकाला? क्वेश्चन यही था कि लिमिट ग्रेटर इंटीजर की फाइंड करनी है, इसलिए निकाला है.
दो ब्रैकेट्स इंडिकेट करते कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना है। ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। पर्टिकुलरली ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ही होता है। अगर ये कहीं ऐसा लगा मिलेगा तो आपको इसको समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये आपका वो ब्रैकेट नहीं है जो आपने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आ गया, वन माइनस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो जीरो आया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? वन माइनस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? वन माइनस वन। वन माइनस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? ये वन में से एक कम हो गया। ये वाला वन तो ये है, जैसे टू माइनस एच का निकालते तो टू माइनस एच का मतलब हो गया 2, 1.99999। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता? वन, यानी कि 1.99। ठीक है, तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? 2 माइनस वन, है ना। यहाँ पर हम निकाल फाइंड कर रहे हैं a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और a को इंटीजर है, ये क्या है? इंटीजर है। मान लो ये a 5 होगा, ये 5 होगा तो 5 माइनस 0.0001 ऐसा नंबर बनेगा, तो ये बन गया 4.99999। और 4.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 होगा। 4.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब भी आप इस टाइप के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे a माइनस एच, जहां a क्या है? इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा a माइनस वन। अब ये a माइनस वन मैंने बता दिया, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस वन आएगा। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आधी बात सुनी आपने। a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस वन कब आएगा, ये तो आपने सुना ही नहीं। बताओ कब आएगा? तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ये माना। क्या क्या एक्सप्लेन करूँ बताओ? ये एक्सप्लेन करूँ, ये करूँ, ये करूँ, या ये करूँ? वो वाला उसके नीचे वाला। कौन सा वाला? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 - h वाला आया नहीं मुझे। 0 - h कहाँ पर है? 0 - h 1 - h आपने जो लिखा है कहाँ लिखा है? 0 - h ऊपर, 0 नहीं सर, 1 - h। हाँ उससे वही वाला, कैसे 0 - h तो कहीं लिखा ही नहीं। 1 - h से 0 नहीं, 1 - h, 1 में से कुछ कम होगा तो क्या बचेगा? 0.9999 ऐसा नंबर बचेगा। और 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आना चाहिए? 0, वही लिखा है 0। सर यस सर, बट h 0 नहीं था, h अप्रोचिंग टू 0, h अप्रोचिंग टू 0 है। हां ठीक है ठीक है, समझ गया। h अप्रोचिंग टू 0 है, कोई बहुत छोटा नंबर है। हां तो इंटीजर लेफ्ट साइड अप्रोच कर रहा है तो वो नेगेटिव से आता है, फिर माइनस होता है। समझ गया। a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? a माइनस 1। पता नहीं बच्चों क्या है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, पर इतना मैं जानता हूँ कि आधी भी बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने पढ़ना लिखना बंद ही कर दिया क्या? सर a माइनस 1 के सर, अब नमन को कुछ समझ नहीं आया, अनिरुद्ध को भी कुछ समझ नहीं आया, और जबकि मैंने एक छोटी सी चीज के लिए 4 एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल में नहीं आता, दूसरे में आता, तीसरे में आता, चौथे में आता, कुछ भी समझ नहीं आया, ना नमन को आया ना अनिरुद्ध को। क्या बात है अनिरुद्ध? सर आ गया अभी समझ। कहाँ आया बताओ? ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस वन कैसे आया? एक्सप्लेन। लाइक जैसे एग्जाम्पल लिया था, अगर एग्जाम्पल को छोड़ो, आप मुझे एग्जाम्पल मत दो, मुझे आप समझाओ आपको क्या समझ आया, ये कैसे आया? a से कुछ सबट्रैक्ट करोगे, a माइनस एच का जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। नहीं नहीं, रिपीट करो क्या बोला? तो a में से कोई वैल्यू सब, जैसे 5 में से आप 0.01 सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका जो रिमाइंडर 4. समथिंग उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, जो 5 से एक वैल्यू कम है, तो दैट्स व्हाई उसका a माइनस 1 आएगा। वैसे तो वही उसका a माइनस 1 हो जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा। चलो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? ये 1 है। इसका
टू ही होगा। आप तो कह रहे हो a माइनस वन होगा, तो आपके हिसाब से तो टू माइनस वन होना चाहिए, वन आना चाहिए। वही तो मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा हूँ तो आप सुन ही नहीं रहे हो सर। लेकिन इंटीजर्स तो नहीं होगा। अरे भाई मैंने बताया है कि a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस वन होगा, कब होगा, जब a इंटीजर होगा। हाँ सर मैं इंटीजर नहीं है वही तो बोला, 2.5 इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर होगा तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, आंसर बताने से पहले। आंसर का आप 1 बता चुके हो। जब आप 2.5 बोला मैंने बोला ये इंटीजर थोड़ी है, तो इसका इंटीजर तो उसका तो 2 होगा, इंटीजर तो 2 आएगा। ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ए माइनस वन कब आएगा, जब ए इंटीजर हो। यही तो मैं कह रहा था कि आधी बात सुनते हो आपने। मेन जो बात थी यहाँ पर कि ए इंटीजर होना चाहिए तब ये आता है, वो तो सुना ही नहीं, बस आपका फोकस ए माइनस वन पे चला गया। ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस वन आएगा, कब आएगा वो तो सुनना जरूरी है ना। यस सर। इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाओ सभी बच्चे। जल्दी से इसकी राइट हैंड कि एच की वैल्यू 1 आई कैसे, क्योंकि एच के लिए से सो तो 0 आई राइट साइड जो एग्जांपल है। दोबारा बोलो सर। ए माइनस एच तो अपने एच में 1 कैसे आया, ए माइनस a माइनस एच था और फिर a माइनस वन हो गया, तो मतलब टू माइनस या थ्री माइनस 0.001 है, कोई h कोई नेग्लिजिबली स्मॉल क्वांटिटी है जो जीरो का अप्रोच कर रहा है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया थ्री माइनस h को हमने बहुत छोटी वैल्यू ले लिया। हाँ वो 2.something हो जाएगा, 2.9999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसका 2 होता है, 2 आ गया, तो आ गया ना 3 माइनस 1। सर इसका राइट हैंड लिमिट आई थिंक हो गया, ए ही होगा क्या इसका राइट हैंड लिमिट। सारी चीजें एक पॉइंट पे घूमती हैं, आपको A. लिमिट का मतलब okay, पता होना चाहिए। सर h अप्रोच कौन से साइड से कर रहा है, 0 को राइट की लेफ्ट से कर रहा है, तो उसका धीरे बोलो दोबारा बोलो सर। h कौन से साइड से अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पर तो लेफ्ट साइड से कर रहा है, a माइनस एच लिया है आपने, 3 माइनस एच डाला है तो लेफ्ट साइड से कर रहा है, तो इसमें 3 प्लस एच हो जाएगा ना राइट हैंड लिमिट का, तो उसका एक सिस्टम स्टांस सिस्टम में जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच होता है, राइट में प्लस एच होता है। यस सर, तो a होगा। सारी बातें एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है कि लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट का मतलब, लिमिट अगर 3 आ गई तो मतलब ये नहीं है कि 3 होगा, इस फंक्शन की वैल्यू 3 को अप्रोच करेंगी, क्योंकि ये 3 तो h को 0 डालने से आया है, h कभी 0 नहीं होगा, h 0 को अप्रोच करेगा, h कभी 0 नहीं होना, h कभी 0 हुए बिना 3 आंसर नहीं आना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यू 3 की तरफ जाएगी, वैल्यू कभी 3 नहीं होगी, ये होता है लिमिट का मतलब। भाई जो आंसर निकालते हैं हम तो h को 0 डाल के निकालते हैं ना, ये एच कभी 0 नहीं होने वाला। जैसे हम एक्स को क्या डाल देते हैं, एक्स को 2 डाल देते हैं, एक्स 2 थोड़े होने वाला है कभी, एक्स की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, 2.1.9 1.99 1.999, एक्स कभी 2 नहीं होने वाला। हमने तो आंसर एक्स को 2 डाल के निकाला है, 2 डाल के निकाला, मान लो हमारा आंसर 5 आ गया, तो मतलब 5 कभी नहीं आने वाला, वैल्यू 5 के नजदीक जाएगी बस, इसका मतलब ये है। लिमिट में आपका आंसर किसी किसी की लिमिट अगर मान लो आपकी 4 आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट 4 कि वैल्यू 4 हो गई, 4 कभी नहीं होगी, 4 के नजदीक वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये होता है। क्यों, हमने h को 0 डाल के निकाला, h कभी 0 नहीं होगा, x को हमने 3 डाल के निकाला, x कभी 3 नहीं होगा, तो फिर ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये भी कभी नहीं आएगी। हाँ इसके नियर बाई वैल्यू आएगी, वैल्यू इसके नजदीक होंगी, लिमिट का मतलब ये होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन पे हम जाएं, पिछले क्वेश्चन का आंसर हमारा हाफ आया था, इस क्वेश्चन हाफ इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी, वैल्यूज हाफ की तरफ जा रही है, हाफ के नियर बाय कोई वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट हाफ नहीं आएगी, ये होता है इसका मतलब लिमिट का। भाई यहाँ पर हमने एच को 0 डाला ना,
चलो इसमें तो एच लिया नहीं था, नहीं था हम एच को जीरो डालते। एच को जीरो डालने का मतलब है कि हम तो ये देख रहे हैं कि जब एच नियरली जीरो होगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, बट एच कभी जीरो थोड़े होना है, एच कभी जीरो होगा ही नहीं। हमने यहाँ पर एक्स को जीरो डाला है, एक्स कभी जीरो होगा ही नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो के नजदीक होगी। एक्स की वैल्यू नजदीक होगी तो ये वैल्यू हाफ के नजदीक होगी। अब एक्स कभी जीरो नहीं होना तो ये वैल्यू कभी हाफ नहीं होनी, बस हमें इतना पता है कि वैल्यू हाफ के आसपास कहीं होगी, समझे? ये है लिमिट का मतलब। चलो ये करो फाइन। सो आ रहे सर? सर ए आ गया। ए क्या आ रहे? चल क्या आया? ए निकाल के दिखाओ। सर निकाल लिया। दिखाओ। अच्छा काट के दिखा लो पहले। ठीक है दिखाओ ने। हाँ जी सर। ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों के दोनों ने सेम टाइप से किया हुआ है, कोई इक्वल टू तक भी नहीं लगाया हुआ। अरे भाई अगले स्टेप पे जाते हैं इक्वल टू लगता है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ आएगा ए प्लस एच, मतलब ए में कोई नंबर ऐड हो रहा है, ए कोई इंटीजर है जैसे कि टू, टू पॉइंट टू में कोई नंबर ऐड हो रहा है, टू पॉइंट जीरो जीरो वन हो गया, तो टू पॉइंट जीरो जीरो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? टू इटसेल्फ, यानी कि ए इटसेल्फ, ये आएगा। जान को आया ये? जान आया? अनिल को और इसको नमन को? यस सर। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 19 बुक से। नमन ने तो 19 बोलते ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन खोल लिया होगा, है ना नमन? नहीं सर। लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, show that the greatest integer function is discontinuous at all integer values. Integer values पे discontinuous ये दिखाना है, तो let a कोई arbitrary integer ले लो, a belonging to z. इस पे left hand limit निकालो at x is equal to a. Left hand limit निकालो, right hand limit निकालो.